मैं बात करूंगी अभी आप वीडियो स्पेशल पैकेज देख रहे अल इब्राहिम आया हॉस्पिटल का, और मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं एक पल आंख बंद करूं, मैं एक पल आंख बंद करूं, मुझे कुछ नज़र ना आए, और फिर मैं जगह जगह ठोकरें खाऊं। मैं आंखें बंद करके इस वक्त खड़ी हूँ, खुदा की कसम मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। और मैं सोच रही हूँ कि मनाहिल इस वक्त बैठी हुई है बच्ची, और उस बच्ची को भी कुछ नहीं नज़र आ रहा। अब मैं ये सोच रही हूँ, बा खुदा आप एक पल सोच के देखें कि मैं कदम उठाना चाह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं कहीं गिर तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो देखा है, मेरे आगे छोटा सा मैंने पूल बनाया हुआ है, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, और मैं मेरे इधर कैमरे हैं। मैं एक पल सोच रही हूँ कि मैं गिर तो नहीं जाऊंगी, मुझे अपने गिरने का कितना डर है। तो आप नहीं चाहेंगे कि जो गिर रहे हैं उनको उठा लें? और आपको पता है जिनको जो 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 ये वो जुमला नहीं है गिरे हुए को उठाने, जिनकी रोशनी आ जाएगी ना, जब उनको नजर आएगा तो फिर सोचे, मुझे अभी देखिए मैंने आंखों देखा, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो सोचे जिसने की आंखों के आगे से पट्टी उतरेगी ना, तो सबसे पहले वो उस शख्स को ढूंढेगा कि किसकी वजह बना और ये क्या वजह थी जो मेरी आंखें आ गई। और वो माँ बाप सजदों में गिर जाएंगे उसके लिए दुआ करेंगे, जिसके पैसे जिसके दौलत दुनिया से आपकी आंखों की नूर आ गया। क्या आप अपना चाहेंगे अल्लाह पाक आपको मुकर्रर करे? क्या मेरा बोलना जरूरी है? मेरी अपील है तो करती हूँ मैं अपील, मैं मांगती हूँ आपके आपसे अल इब्राहिम के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा रब शायद मेरी ये छोटी सी नेकी कबूल कर ले। और आप अभी इंतजार ना करें, और ये इंतजार ना करें कि शायद पता नहीं जरूरतमंद है कि नहीं, मैंने आपको खुला कह दिया कि जाएं आप वहां, खुद जाएं और देख लें कि ये सभी जो अपने अल्फाजों से मोहम्मद का नाम ले रही है, मौला अली का नाम ले रही है, वो कितना सच बोल रही है। आप खुद जाके देखिएगा कि वो बच्चे, वो बूढ़े, वो बच्चियां जिनके घर में दो वक्त की रोटी नहीं है, वो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और इतना दे दे। 10,000 भी आप दे देंगे ना, तो एक बच्चे की आंखों की रोशनी आ जाएगी। और इस वक्त मनाइल मौजूद हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, और वो मुझे सुनाना चाह रही हैं कुछ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मैं तो खुद आए उनके हाय दर का गदा हूँ, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ। अपने आका को मैं नजरें क्या दूँ, अपने आका को मैं नजरें क्या दूँ, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। मेरे जाए दी
दिखा दूं, देखने का सलीखा सिखा दूं, रोज़े पाक पेशे को क्या कुछ नजर आ रहा है, मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, तुमको लफ्जों में कैसे बता अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। सुभान अल्लाह मेरी शहजादी, बहुत खूबसूरत। अभी मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करी थी मेरी प्यारी बच्ची, और मैं ऐसे बस कभी कभी जहन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं और दिल से ढेरों दुआएं निकलती हैं, और दुआएं हमेशा एक दूसरे को देते रहना चाहिए। अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदक़े में जो है मेरी प्यारी शहज़ादी की आँखें वापस आएँ, और ये भी गुंबद खजरा और मौला अली करम अल्लाह वजह की जो है ज़्यारत करें, करबला की गलियों की ज़्यारत करें। आमीन सुम आमीन। ये है हमारा स्पेशली अभी रमज़ान ट्रांसमिशन का जो है किचन, और शेफ शफक मेरे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शफक। अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी प्यारी शहजादी ने माइक को नीचे कर दिया है, फिर आवाज़ कैसे जाएगी? हाँ जी, ठीक है जी, ज़रा सा ऊँचा बोले। हेलो हेलो। अरे वाह, क्या बात है। चले जी, अभी हम बात करेंगे। आवाज़ सही आ रही है? ओके चलिए जी। अब क्या डिश बन रही है? डिश का नाम क्या? काठियावाड़ी छोले बना रही हूँ मैं, और ये स्पेशली गुजराती ट्रेडिशनल डिश है ये। अच्छा, मेरी प्यारी बहन के बीच सही आवाज़ नहीं। अभी हम आपके एक मिनट रुक जाते हैं। अच्छा, मैं एक नात सुन लेते हैं, ठीक है, फिर हम इस तरफ आते हैं, ठीक है। सादिया बाजी, मैं चाहूँगी कि बस अब ऐसी नात हो जाए कि एक माहौल बन जाए मेरी प्यारी बहन की आवाज़ से, और इसमें कोई शक नहीं है, सादिया बाजी बेहतरीन नात ख्वाह हैं, और बहुत सारी महफिलें जो हैं सजाती हैं, मोहम्मद का जिक्र होता है, और वहाँ पर दुरूद पाक भी पढ़ती हैं और नबी का जिक्र करती हैं जी। हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने, हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने, नजर ना था खुदा दिखा दिया हुसैन ने, हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने, वो नूर है तू खाक है बशर तेरी बिसात क्या, वो नूर है तू खाक है बशर तेरी बिसात क्या, बना के खाक को शिफा बना दिया हुसैन ने, हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने, अली का वो भी शेर है
तीर से मरेगा क्या, अली का वो तो शेर है ये तीर से मरेगा क्या, पिसर को खाक में उठा हंसा दिया हुसैन ने, हर एक दिल में कर बना बसा दिया हुसैन ने, चले हैं हैदरो खिजर हुसैनियों की राह पर, चले हैं हैदरो खिजर हुसैनियों की राह पर, जो खिदमतों का रास्ता बना दिया हुसैन ने, हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने, नजर न आता था खुदा दिखा दिया हुसैन ने, हर एक दिल में करबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सादिया भाई जी, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग इबादत रमज़ान की बावर्ची खाने में किचन में मौजूद हैं, और सारी बहनें इस वक्त किचन में जा चुकी होंगी और काफ़ी हद तक तो चीज़ें बन चुकी होंगी। शेफ शफक मौजूद हैं और ये बनवा काठिया वाड़ी छोले, छोले और छोले तो रमज़ान की जो दस्तरखान की जीनत है, और पकोड़े खास तौर जी। चले जी, आप इसके इंग्रेडिएंट्स बताएं फिर आगे चलते हैं। ये मैंने 4 कप छोले लिए, इसको मैंने 2-3 घंटे सोख करके और इसको बॉईल कर दिया था। ठीक है, ठीक है। 2 मीडियम साइज के पोटैटोज लिए थे, इसको मैंने क्यूब्स में कट किया था और फिर इसको बॉईल कर लिया था फूड कलर ऐड करके। ओके। ये गार्निशिंग के लिए फ्रेश कोरिएंडर जाएगा इसमें। ठीक है। ड्राई स्पाइसेस में चिली फ्लेक्स है 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून है, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर है, 1/2 टी स्पून सॉल्ट है, 1/2 टी स्पून ब्लैक सॉल्ट है। ओके, हरी मिर्चें और ये ग्रीन चिली क्रश्ड है, और ये थोड़ा सा फूड कलर भी इसमें ऐड होगा, और चॉप टोमेटो और चॉप अनियन ये इसमें जाएंगे, और ये एंड में कॉर्नफ्लोर इसमें पानी में डिजोल्व होके जाएगा। व्हाई कॉर्नफ्लोर क्यों? थोड़ा सा थिक करने के लिए, थिक करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और स्टार्ट करें। जी मैंने 3 कप्स पानी जो है वो इसमें मैंने गर्म कर लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी पहले। ठीक है, और मैं साथ साथ बताती चलूँ, शफक मौजूद है फ्रॉम स्किल्सटन से, और ये किचन जो इश्तराक हुआ है जिन जिन स्पॉन्सर का, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। स्किल्सटन का, ग्लैम गैस का उनका चूल्हा जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, और इस चूल्हे की फ़ायदा ये है कि आपके बर्तन काले बिल्कुल नहीं होते। इनके और होम अप्लाइंसेस में और भी चीज़ें हैं, माइक्रोवेव ओवन भी है, इनका गीज़र भी है, ठीक है। और इनके जो इस वक्त चूल्हों की मैं बात करूँ तो ये बहुत ईजीएस्ट, आप इनको क्लीन भी कर सकते हैं उठा के, क्योंकि स्टील से बना है और बिल्कुल भी इसके ऊपर जंग नहीं लगता, आप इसको पानी वगैरह से धोएं तो। और ख़ास तौर पे आपके जो बर्तन है वो जो ये कि ब्लू फ्लेम के ऊपर है, तो ब्लू फ्लेम में ये बर्तन काले नहीं होते। और मारूफ मसालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मारूफ मसाले जो हैं वो जायके का नाम है और टेस्ट का नाम है, और इनका ज़बरदस्त आप अपने घर में कोरमा बनाएं, बिरयानी बनाएं, इनके बहुत सारे जो है फ्लेवर्स हैं डिफरेंट जो डिशेस में, सब्जियों का भी इनका है, जो सब्जियां बनाएं उनमें फ्लेवर्स भी डाल सकते हैं। फिर इनके स्वीट डिशेस बहुत ज़बरदस्त हैं जिनमें खीर भी है, कस्टर्ड भी है, तो बच्चों के लिए भी उन्होंने इस बात को मद्देनज़र रख कर मारूफ मसाले उन्होंने पेश किए, और मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, इसमें मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, चिली पाउडर ऐड किया है, क्यूमिन पाउडर ऐड किया है। अच्छा, सब आपने बॉइल वाटर में? जी बॉइल वाटर में ऐड किया, इसका जो जिस वाटर में हम इसको सोक करेंगे, बॉइल करेंगे, अगर उस वाटर में बनाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, इसमें और अच्छा फ्लेवर। अच्छा, इसको कितनी देर लगेगी शादी? बस इसमें थोड़ा सा एक बॉइल आ जाए इसमें, फिर और स्पाइसेस ऐड करूंगी, ये ऐड करूंगी इसमें, ठीक है, इमली का पल्प ऐड करूंगी। अच्छा, ये गरम कहते हैं मतलब गर्म में प्याज डाल, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, बस इतना ऐड करूंगी कि इतना मैं इसको कुक करूंगी, क्योंकि अक्सर मैंने सुना है, मतलब मेरी नॉलेज शायद कम होगी
कि यह गर्म में टिमाटर स्मेल आ जाती है थोड़ी देर बाद, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ गुड है जी, गुड है। बस इसका रॉ फ्लेवर खत्म हो जाए इतना मैं इसको कुक करूंगी। और ये पानी हल्का सा रहेगा? हाँ ये पानी रहेगा। अच्छा, मुझे अभी कॉर्नफ्लोर ऐड होगा। नाजिर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अगर इनकी कॉल हो तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। अच्छा लगता है जब आप हमसे बात करते हैं और हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई बात रेलेवेंट टू टॉपिक या कोई भी ऐसी हो तो हमें अच्छा लगता है आप हमसे गुफ्तगू करें। ये जब तक कुक हो रहा है तो हम ड्रिंक रेडी कर लें। श्योर श्योर, आ जाए चले जी। मैं ये चीज़ें आपकी साइड पर कर दूँ, साइड जी, इसको इसको कवर कर दें। और ये इन्होंने कवर कर दिया जी। नाजीन इस वक्त काठियावाड़ी ठीक है, काठियावाड़ी छोले इस वक्त हैं। और कभी कभी यार पता नहीं, मुझे लगता है मैं ऐसे तो बड़ा अच्छा बोलती हूँ लेकिन कभी कभी फंबल मार जाती हूँ, गलत हो जाता है। अच्छा ड्रिंक कहीं रखवाई थी इन्होंने, इनको ड्रिंक भी। अच्छा मैं बात करूंगी मेरी प्यारी शहजादी, ये अच्छा मैं आपसे तो, अच्छा मैं जब इसका नाम लेती हूँ ना शहजादी, इसके चेहरे पे एक सादी वाली मुस्कुराहट आती है। हाँ ये समझ जाती है मैं ही शहजादी हूँ, हैं ऐसा ही बोला। माइक रखे ना गुड़िया, खाने में क्या पसंद है आपको? मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ। अरे बाप रे बाप, करिए सब। अच्छा सब कुछ पक्का? फिर भी कुछ खास डिश तो होगी ना, बिरयानी कोरमा? हाँ बिरयानी, चाइनीज भी बहुत पसंद है। चाइनीज पसंद है गुड़िया को? रियली? कौन ज्यादा, मम्मा ख्याल करती हैं बाबा करते हैं? पापा। ये बाबा की जान। अरे वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से कितना प्यार करते थे। आए आए आए, प्यार है ना, ऐसा है कि नहीं? बेटियां बाप से ज्यादा करीब होती। हाँ बेटियाँ बाप के ज्यादा करीब होती हैं। अच्छा जी, और किस चीज का शौक है मुझे बताओ? और नाते पढ़ने का तो बचपन से शौक था। आए आए, नाते पढ़ने का तो बचपन से बहुत बड़ा। साधिया बाजी ने सही इस वक्त बात की, छोटी सी हो कौन सा बहुत बड़ी हो गई। आपको बचपन में शौक था जब आप 2 साल की थी? नहीं। ये बचपन कब था है? अभी कितनी बड़ी, अभी छोटी सी तो शहजादी बिल्कुल। पता है ऑरेंज ड्रेस आपके मम्मा ने आपको पहनाया, आप ऑरेंज ड्रेस में स्क्रीन पर बहुत बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत हसीन। अच्छा जी यहाँ पर नाजीन हम लोगों ने, मेरी प्यारी प्यारी बहनें मौजूद हैं और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक से पहले मैं बताना चाहूँगी कि नौजवानों के लिए एक आगे कदम बढ़ के, और वो किसका है? कमांडर सिटी बिल्डर का। और जाकिर साहब ने एक स्पेशल नौजवानों के लिए विजन 2040 पेश किया है, तो पहले उनका पैकेज देखते हैं, उसके बाद चलते हैं ब्रेक की तरफ और लेते हैं ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमजान के साथ।